सो गाइस, अब वॉइस ओवर वाले चैनल मोनिटाइज नहीं होंगे। कई सारे लोग ऐसा ख्वाब लेके बैठे हैं कि हम वॉइस ओवर करते हैं, हमारा चैनल मोनिटाइज हो जाएगा। गाइस, यूट्यूब के ऑफिशियल पेज पर एक जानकारी को साझा किया गया है, यानी कि एक ऐसी जानकारी को दिया गया है, अगर आप उस जानकारी से वंचित रह गए, यानी कि आपने वो जानकारी नहीं जानी जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, उससे रह गए, तो भाई वॉइस ओवर वाले चैनल भी मोनिटाइज नहीं होंगे। यूट्यूब ने यहाँ पर साफ साफ कहा है, वो एक गलती करते हैं जिससे वॉइस ओवर वाले चैनल रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, मोनिटाइज नहीं होते। वो क्या गलती है यूट्यूब ने खुद बताया है, वीडियो दिखाऊंगा आपको, प्रॉपर बताऊंगा। यूट्यूब की ये इंफॉर्मेशन एकदम सटीक है, यूट्यूब ने खुद बताई है, तो आपको प्रॉपर तरीके से पता लग जाएगा। और ये वीडियो उन सभी के लिए भी है जो फेस ओवर वाली वीडियो बनाते हैं, यानी कि अपना फेस दिखाते हैं, लेकिन इन फ्यूचर या फिर कभी कभार उन्होंने वॉइस ओवर वाली वीडियोस भी डालनी है, तो क्या उन वॉइस ओवर वाली वीडियो से आगे प्रॉब्लम तो नहीं होगी, इसका भी जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। देखिए सीरियसली इस वीडियो को एंड तक देखना, अगर ये जानकारी आपसे छूट गई, वॉइस ओवर वाली वीडियोस बना रहे हो और वो एक गलती कर रहे हो जो यूट्यूब ने बताई है, तो फिर भाई मोनिटाइज नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए सीरियसली वीडियो को देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइस, आज की इस मजेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अभी आप लोग साइड में देख सकते हो, ये चैनल खुला हुआ है यूट्यूब क्रिएटर्स इंडिया का, 4,38,000 सब्सक्राइबर्स हैं, और ये वीडियो 3 दिन पहले आई थी। इसमें बताया गया है शॉर्ट्स का रेवेन्यू है, लेकिन ये लॉन्ग वीडियो के लिए भी और शॉर्ट्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इसमें ये लाइन बोली गई ना आगे, ये अभी मैं वीडियो रोक के रखी है, अभी ये चलाने वाला हूं, तो आपको प्रॉपर पता लग जाएगा कि वॉइस ओवर वाले चैनल मोनिटाइज होंगे या फिर नहीं होंगे। क्यों मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए लेके आया हूं, क्योंकि गाइस काफी सारे लोग अंधकार में जी रहे हैं, ये बात सोच रहे हैं कि हमारा चैनल मोनिटाइज हो जाएगा और वो एक गलती को कर रहे हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है। सुनिए यहां पर क्या बोला गया है, ये मैं बताने वाला हूं। काफी सारे लोग क्या करते हैं, दूसरों की वीडियो उठाई, उसमें अपना वॉइस ओवर कर दिया, सोचते हैं चैनल मोनिटाइज हो जाएगा। अरे ऐसे खतरा है आपके ऊपर, वो आपको स्ट्राइक भी दे सकता है। आपको क्या गलती नहीं करनी है वो सुनिए, यहां पर अब मैं वीडियो चला रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कि आपने रीमिक्स टूल से किसी ऐसे कंटेंट को रीमिक्स किया है जो आपका ओरिजिनल कंटेंट नहीं है। देखो यहाँ पर सबसे पहली लाइन की गई, आपने कोई ऐसा कंटेंट रिमिक्स टूल से लिया है, यानी कि टूल लिया है और उसको रिमिक्स करके ऐसा कंटेंट है जो कि आपका ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, फिर क्या बोल रहा है देखिए। लेकिन आपने उसमें कुछ मजेदार नई या दिलचस्प चीज जोड़ दी है। अब इसमें बोला गया कि उस वीडियो में आपने कुछ अपनी मजेदार दिलचस्प चीजें जोड़ दी हैं, यानी कि उसमें अपनी क्रिएटिविटी ऐड कर दी है, ठीक है, उसके बाद सुनिए। मतलब हुआ कि आपने उसे पूरे तरीके से बदल दिया है, दूसरे शब्दों में कहीं तो किसी दूसरे क्रिएटर का कंटेंट इस्तेमाल किया जा सकता है। देखा, YouTube भी यहाँ पर कह रहा है किसी दूसरे क्रिएटर का कंटेंट इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसमें आपको अपनी क्रिएटिविटी शो करनी पड़ेगी, यानी कि कुछ वैल्यूएबल चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। अब कई सारे लोग क्या करते हैं, देखो वॉइस ओवर वाले क्या करते हैं कि टोटल वीडियो उठाई और अपनी आवाज लगा दी, सोचते मोनिटाइज हो जाएगा। उसमें आपका कंटेंट, आपकी क्रिएटिविटी कहाँ है, उसमें नया क्या है, आगे क्या बताया वो भी सुनो, उससे आपको पता लग जाएगा, सारी क्वेरीज दूर हो जाएंगी। तभी जब आपका वीडियो देखकर दर्शकों को ये साफ पता चले कि वह ओरिजिनल वीडियो से काफी अलग है। और देखा मैंने क्या बोला, आपके दर्शकों को ये देखना चाहिए कि ओरिजिनल कंटेंट जो आपका है, मतलब जो आपने रिमिक्स करके दूसरे का लिया है, उसमें आपकी क्रिएटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि उस कंटेंट से जो आपने कंटेंट किसी का लिया है वो अपने चैनल पर डाला है, उसमें अपनी क्रिएटिविटी ऐड करिए, यानी कि वो बिल्कुल अब अलग हो गया है, दर्शकों को ये मालूम चलना चाहिए, तो आप दूसरे का कंटेंट ले भी सकते हो और वॉइस ओवर उसमें करके अपना मोनिटाइज भी करवा सकते हो, लेकिन उसमें आपकी एक्टिविटीज ऐड होनी चाहिए। सिर्फ वॉइस ओवर से काम नहीं चलेगा कि वीडियो उठाई वॉइस ओवर कर दिया हो जाएगा मोनिटाइज, तो उसमें आपकी एक्टिविटीज कहां है, सिर्फ आवाज ही है, लेकिन क्रिएटिविटी, बी रोल्स, टेम्पलेट्स, एलिमेंट्स कहां ऐड हुए वो बता रही है, सुनिए। एक नयापन है, अब हम आपको बताएंगे कि शॉर्ट। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, उसने बताया, YouTube ने क्या बताया कि यहाँ पर आप दूसरे का कंटेंट यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको अपनी नई नई एक्टिविटीज ऐड करनी पड़ेंगी, उनको आपको ये क्लियरेंस देना पड़ेगा कि आपका जो कंटेंट है वो बिल्कुल फ्रेश है, आपने किसी दूसरे की भी क्लिप्स को यूज किया है, लेकिन उसमें आपकी एक्टिविटीज, कोशिश ये करो कि कम से कम उन वीडियोज में जो आप दूसरे की ले रहे हो, उन वीडियोज में आपकी एक्टिविटीज कितनी रहनी चाहिए, 70-80% रहनी चाहिए, ठीक है, बाकी उसका दे सकते हो आप, और उसको क्रेडिट भी अपनी वीडियोज में देना है, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और वॉइस ओवर वाले चैनल मोनिटाइज हो जाएंगे। लेकिन जब तक एक्टिविटीज ऐड नहीं करोगे, सिर्फ वॉइस ओवर डाल के मोनिटाइज करवाना चाहोगे और टोटल वीडियो उठाइए वॉइस ओवर किया, तो देखो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अभी आप कहोगे भाई ऐसे भी मोनिटाइज हो जाएगा, लेकिन आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएगी, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर रोते हुए आओगे, तो ये गलती को करो ही मत, गलती नहीं करोगे तुरंत तुरंत मोनिटाइज हो जाएगा, 24 घंटे के अंदर मोनिटाइज हो जाएगा आपका चैनल। तो मैंने आप लोगों को बता दिया क्या चीजें हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी। तो ये गाइस वीडियो थी, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो गाइस, मिलता हूं ऐसे किसी अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।